हेलो, गुड मॉर्निंग। और एक बहुत अच्छी सी सुबह संडे की, और इस संडे की सुबह में हम यहाँ पर विजन क्लासेस से, और हमारे पास विजन क्लास के बहुत सारे बच्चे हैं, और हम एक लाइव एक्सपेरिमेंट करने के लिए गांधी पार्क के ग्राउंड में आ चुके हैं। बहुत अच्छा ग्राउंड है, और कोसी का इकलौता ग्राउंड है जहाँ थोड़ी बहुत घास है। कुछ अंकल अंटियाँ नाच रहे हैं यहाँ पर गाने से। ये जो बैकग्राउंड में तुम्हें म्यूजिक सुन रहा होगा, ये सीधा सीधा एक अंकल अंटियों को नचा रहे हैं गाने पे, और कहने के बावजूद उन्होंने आवाज़ कम नहीं की है। पर कोई बात नहीं, हम भी डटे रहेंगे, हम भी इसी आवाज़ पे इस एक्सपेरिमेंट को करेंगे। तो इस एक्सपेरिमेंट में है क्या, आज एक ब्लीचिंग पाउडर होता है, ब्लीचिंग पाउडर जो कि मेरे पास है, ये ब्लीचिंग पाउडर है जिसका फॉर्मूला है CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। हम इस ब्लीचिंग पाउडर से देखेंगे कि क्या क्या चेंजेस होते हैं। ये सारी कोल्ड ड्रिंक्स हैं, ये सारी कोल्ड ड्रिंक्स हैं जो कोल्ड ड्रिंक हम डेली यूज करते हैं। हमें देखिए कि इसमें कलर का क्या यूज होता है, कितना कलर इनके अंदर आता है, ये सारी आप इस वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, और हम धीरे धीरे करके करके ये एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करेंगे। हम क्या क्या होगा इसमें, हमने इस ग्लास में थम्सअप लिया, और हम चेक करेंगे कि थम्सअप में अगर मैं ब्लीचिंग पाउडर डालता हूँ तो क्या क्या चेंजेस हमारे पास आने वाले हैं। इस थम्सअप में मैंने कुछ ढूंढे ब्लीचिंग पाउडर की डाली है, और देखते हैं इसमें क्या चेंजेस होंगे इसमें, और इसका रीजन भी बताऊंगा। इसके पीछे की जो साइंस है वो भी हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे, और तुम देख सकते हो इसमें क्या क्या चेंजेस इसमें आ रहे हैं। अब इसका हम ओरिजिनल के साथ इसको हम चेक करते हैं, ओरिजिनल में क्या डिफरेंस है। तो देख सकते हो कि ओरिजिनल का कलर किस तरह का था, और जो है थम्सअप का कलर किस तरह से हो गया है। अभी हम सारे कलर को चेक करेंगे पहले, हम फिर इसके पीछे क्या रीजन है वो हम देखेंगे। अंटी पहचान गई, अंटी को बहुत पता है इसकी। इसके और इसके कलर में कितना डिफरेंस है। अभी हम थम्सअप और कोक में भी चेक करेंगे किसके अंदर कलर ज्यादा थे और किसके अंदर कलर कम थे। अगर तुम देखोगे तो इसमें डिफरेंस बहुत ज्यादा है कलर में। ये एकदम जैसे अंटी ने भी बताया था, बिल्कुल डार्क वाला कलर हो गया। बाकी मैं पीता नहीं हूँ, अंटी ने बहुत अच्छी जानकारी दी है सभी के लिए। ये हम ड्यू के अंदर डालेंगे जिसको बहुत कंज्यूम किया जाता है, और फिर लास्ट में एक एक्सपेरिमेंट हम स्टिंग के साथ करेंगे जिसको बच्चे बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं आज के टाइम में। इसके साथ क्या होगा देखेंगे, स्टिंग के साथ बाद में लास्ट में। ये माउंटेन ड्यू का हाल हुआ है, जो माउंटेन ड्यू किस कलर की थी, ग्रीन कलर की थी, और अब ये बिल्कुल लिमका वाली हो चुकी है। हो सकता है कंपनी लिमका ऐसे करना चाहे। माजा के साथ कहते हैं, माजा को तो बिल्कुल बताए थे कि ये प्योर मैंगो है। अब इसमें चेक करेंगे कि इसमें प्योर मैंगो कितना है और कितना इसमें कलर है। कहीं भी जाते हैं तो सबसे पहले माजा पूछते हैं कि माजा है कि नहीं है। क्यों कह रहे हैं भैया कि पेप्सी नुकसान कर, माजा मंगा मैं। अब ये देखते हैं माजा कितनी फायदा करेगी। इसका कलर इतना चेंज नहीं हुआ है, लेकिन इसमें धीरे धीरे चेंज हो रहा है क्योंकि रेडिकल है वो थोड़े से हो रहे हैं। अगर तुम देखोगे तो चेंज हो गया कि नहीं हुआ, चेंज हो गया इसका मतलब इसके अंदर भी कलर डाले जा रहे हैं। ये वो है जिसको घरों में डेली यूज किया जाता है, रुक जाए। इसके अंदर देखेंगे, इसके अंदर देखेंगे, इसके अंदर क्या चल रही है। अगर अंटी की बात पर चले तो कंपनियां बंद हो जाएंगी।
होनी चाहिए जब चीज नुकसान कर रही है तो रोज ज्यादा होगा। अरे देख लाया थे आखिर सामने ये रोक जाए और रोक जाए का कलर तुम देखोगे तो रोक जाए का कलर भी क्या हो चुका है, बिल्कुल खत्म हो चुका है रोक जाए का कलर। ये ऐप ही है लौटा है आज लौटा है मत पियो। देखो बच्चों तुम कॉफी नहीं है ना हम अभी में ये ना खराब हो सके ह्यूज एपी के अंदर देखते हैं कि एपी के अंदर क्या चेंज करेंगे इसमें सड़े सेव कर यस एपी का कलर भी सारा जा चुका है जो इसके अंदर कलर था पर इतना नहीं गया इसका इसका मतलब कलर बहुत कम यूज हुए इसके अंदर। ये गुआवा का जूस है गुआवा जूस है गुआवा पीते नहीं है इसको जैसे मत देखा इसको पीते नहीं है कर रही है अच्छा या फिर इसके अंदर कलर है ही नहीं क्योंकि अच्छा। अभी तक तो इसके अंदर कोई भी चेंजेस आए नहीं है और डाल के देखो ना कलर चेंज हुआ भैया कलर चेंज हुआ है कलर चेंज हुआ है पहले से लाइट हुआ है कलर बट बिल्कुल ट्रांसपेरेंट नहीं हुआ है इसका लास्ट में बड़ी छोड़ रही है ये तो सही है ब्लीच पाउडर ये फैंटा वाला कलर है फैंटा ब्रिंडा वाला इसके अंदर देखते हैं क्या क्या चाहिए है नीचे वाइट वाइट बनो को पानी फुल कलर इसके अंदर से जा चुका है पानी वाली असर है सारा पानी ये तो कुछ अलग ही लिक्विड लग रहा है ये तो ये लोकल है ये लाइट पिंक है लाइट पिंक ये कॉफी पाउडर है जो मैं बहुत ज्यादा यूज करता हूँ कॉफी है इसके अंदर देखते हैं इसके अंदर क्या कलर होंगे क्या कॉफी के अंदर भी कोई कलर प्रिजर्वेटिव मिला के आता है कि नहीं आता है ये कॉफी जैसी कॉफी के अंदर मिलाया और ज्यादा डाल देते हैं इसके अंदर हम पहले से जो डार्क थी इसके अंदर भी लाइटनेस आ चुकी है इसका मतलब जो कॉफी बीन्स होती है उसके अंदर भी नेचुरल कलर आता है क्योंकि कॉफी बीन्स है बाकी ये नेस्कैफे की थी इसके अंदर पता नहीं है पर लग रहा है हमें कि नेस्कैफे वाले इसके अंदर कलर ऐड करते हैं क्योंकि एक्चुअल कलर कॉफी का ये होना चाहिए बाकी जो पहले था कलर उसमें अलग था वो बहुत ज़्यादा डार्क था। लास्ट एक्सपेरिमेंट है ये स्टिंग के साथ जिसको बच्चे बहुत ज्यादा आज के टाइम में ट्रेंडिंग है लास्ट ये मतलब मैंने कभी ट्राई नहीं किया स्टिंग बिल्कुल करना छोड़ेगी सब ही छोड़ जाएगा सब ही छोड़ जाएगी जीभ मौला रह जाए ये तो छोड़ ही जाएगी सफेद कर दे कते ये तो सबसे बेकार चीज है यस सर ये क्या कर रहा है सफेद है
पहले से लाइट हुआ है, इसको और चेक करते हैं। वाइट हो जाता सर, सर एंटी एनर्जी ड्रिंक यार मैंने सबरी ने लिया एक छोड़ी मिला के क्लासिक आज छोड़ दी बहुत छोड़ दी स्टेडियम का छोड़ दो उसमें ज्यादा वेरिएशन नहीं आया इसका मतलब जो इसके जो रेडिकल्स हैं और इसका रीजन बताता हूं क्या हो रहा है हर किसी के यहां पे कलर चेंज साथ में रखे हुए हैं एक्चुअल में इन केमिकल्स के अंदर जब हम कलर डालते हैं तो उनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स इधर से उधर भागते हैं जिसके कारण इसमें पूरा कलर आता है बट जैसे ही हमने ये ब्लीचिंग पाउडर डाला जिसका फॉर्मूला कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड था CaCl2 इसके अंदर ऑक्सीजन और क्लोरीन के रेडिकल होते हैं ये उन कलर के फ्री इलेक्ट्रॉन को रोक देते हैं जाने से एक जगह से दूसरी जगह जिसके कारण वो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रजिस्ट हो जाते हैं और उनका जो कलर है वो सारा उड़ गया था इनका जो कलर था ये जो बाकी कलर तुम्हें दिख रहा है येलो इस कलर है जो भी जिनका जो भी कलर है ये इनके अंदर प्रिजर्वेटिव डाले जाते हैं जो अचारों के अंदर डाले जाते हैं लाइक सोडियम बेंजोएट एंड अदर BHA BST इस तरह के कुछ प्रिजर्वेटिव डाले जाते हैं जो कि जिसकी वजह से ये कलर आ रहा है और इनके अंदर बहुत सारे मात्रा में शुगर भी होती है जिसका कलर जो कि अपना ये कलर जो इन्होंने येलोइश कुछ ने येलोइश छोड़ा है कुछ ने इनके छोड़ा ये सारा इनका शुगर का कलर हुआ है तो मैं इसमें ये नहीं कह रहा कि कौन सी चीज़ें ना कि किसी कंपनी का प्रमोशन कर रहे हैं बट केवल ये बताना था कि इनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिसकी वजह से इनका कलर अलग अलग रहता है बाकी हम उस कलर को चेंज कर सकते हैं ब्लीचिंग पाउडर जो कि एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ठीक है इस वीडियो के माध्यम से केवल यही दिखाना था कि कलर में क्या क्या चेंज आते हैं तो कितना हार्मफुल है कितना ये तुम्हारे लिए लाभदायक है ये चीज़ तुम्हें डिसाइड कर दी है।